है जहां बिजली कटौती और लो वोल्टेज के खिलाफ ग्रामीणों ने बिजली सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ग्रामीण आठ से देव भोग में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी जारी की है, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। भूख हड़ताल पर बैठने से पहले ग्रामीणों ने देव भोग में रैली निकाली और विधायक निवास पहुंचकर उन्हें चुमनी भेंट की। चुमनी लेने से पहले विधायक तोड़ा तमतमाए और मौके की नजाकत को समझते हुए ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन देकर विदाई दी। हमारा भूख हड़ताल श्रमिक भूख हड़ताल जब तब तक चलता रहेगा जब तक संबंधित अधिकारी जब तक हमें आश्वस्त न कर दे पूर्ण से 132 के भी यहाँ पे न लग जाए न लगे और जब तक चलता रहेगा जब तक न लग जाए। और आज हमने यहाँ पे विधायक महोदय को डिग्री भी भेज किया इस अवसर में और ये हमारा श्रमिक भूखान निरंतर जारी रहेगा। तो इस समस्या से जूझ रहे हैं, समय समय से बिना सूचना की कटौती कर दी जाती है जिससे शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से हम उपभोक्ताओं को सामने आना पड़ा, जो उपभोक्ता लोग हम श्रमिक भूख हड़ताल सब इस समस्या के निदान की क्या मांग कर रहे हैं। जब से भूपेश बघेल आया था कर्जा माफ किसानों का और बिजली हाफ, ये बिजली हाफ का क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा। मेरा क्षेत्र में 132 के भी इंदिरा गाँव में स्वीकृति है अभी तक।